हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एमडी हेल्प यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में जो आपकी आंसर शीट रहेगी उसके पहले पेज पर आपको क्या लिखना है और उसके बाद वाले पेज आप जितने भी लिखोगे उन पेज पर आपको क्या लिखना है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आपका पहला पेज नंबर रहेगा उस पर आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको पेज नंबर 1 लिखना है सबसे ऊपर, उसके बाद में ए लिखना है, ऐसे लिखना है। फिर उसके बाद आपको लिखना है यूनिवर्सिटी रोल नंबर इन फिगर, ये लिखना है। यूनिवर्सिटी रोल नंबर फिगर में आपको अपना रोल नंबर लिखना है इन फिगर में। जैसे आपका रोल नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7 आपका रोल नंबर, 5 अक्षरों का भी हो सकता है, 4 अक्षरों का, जितने भी अक्षरों का वो आपको अपना रोल नंबर लिखना है, ठीक है दोस्तों। A4 साइज़ की आपकी शीट रहेगी, जैसा का आपको पता है A4 साइज़ की शीट रहेगी। उसमें सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी रोल नंबर इन फिगर में लिख दिया, उसके बाद आपके आगे जगह नहीं रहेगी शीट पर, ठीक है दोस्तों। तो आप इन वर्ड्स में नीचे भी लिख सकते हैं यूनिवर्सिटी रोल नंबर इन वर्ड्स, आप नीचे भी लिख सकते हैं यूनिवर्सिटी रोल नंबर इन फिगर के नीचे आप लिख सकते हैं यूनिवर्सिटी रोल नंबर इन वर्ड्स, वहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना है इन वर्ड्स में। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं लिखना, जैसे आपका रोल नंबर हो गया 1023 आपको ऐसे नहीं लिखना, 1 2 3 आपको रोल नंबर लिखना आपको, ठीक है दोस्तों, ऐसे 1 2 3 4 5 6। उसके बाद आपको लिखना है नेम ऑफ द स्टूडेंट, अपना नाम लिखना है, जैसे अमन आपका नाम हो गया या और कुछ कपिल आपका नाम हो गया, जो भी आपका नाम वो लिखना है। उसके बाद सी में लिखना आपको क्लास सेमेस्टर, यहाँ पर आपकी शीट के आगे जगह नहीं रहेगी तो आप इसके नीचे ही लिख सकते हो। जैसे आपकी A4 साइज ये शीट हो गई, यहाँ पर आपने A में लिख दिया, फिर B, यहाँ पर C, यहाँ पर D, आपने B में लिख दिया नेम ऑफ द स्टूडेंट। सी में आपको लिखना है क्लास और सेमेस्टर, कौन सी आपकी क्लास रहेगी, जैसे एम में रहेगी आपकी क्लास और फोर्थ सेमेस्टर आपका रहेगा। डी में आपको लिखना है नेम ऑफ द पेपर, नेम ऑफ द पेपर कौन से सब्जेक्ट का पेपर रहेगा। ई में आपको लिखना है कोड पेपर, ये आपकी क्वेश्चन पेपर आईडी, वो भी लिख सकते हैं आप, क्वेश्चन पेपर आईडी लिख सकते हैं आपकी क्वेश्चन पेपर आईडी क्या रहेगी। एफ में आपको लिखना है टोटल नंबर ऑफ पेज राइटन बाय कैंडिडेट, आपने जितने पेजों पर अपने आंसर लिखे हैं वो पेज आपको काउंट करके लिखने, जैसे आपने 15 पेज पर अपने आंसर लिखे तो आपको 15 पेज लिखना है, 15 लिखना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जी में आपको लिखना है डेट एंड सेशन ऑफ एग्ज़ाम, किस दिन आपका एग्ज़ाम है, कौन से सेशन में है, मॉर्निंग में है एग्ज़ाम है, इवनिंग में एग्ज़ाम है, वो लिखना आपको जी में। एच में आपको अपने साइन करने, साइन ऑफ द स्टूडेंट पेपर की, जो आपके आंसर शीट का जो पहला पेज रहेगा उसके ऊपर आपको ये फॉर्मेट लिखना है। आपका पेपर स्टार्ट होने से पहले ही आप ये फॉर्मेट लिख ले, जो आपके पेज रहेंगे वो आप बाद में काउंट करके लिख देना, ठीक है दोस्तों। जो आपका पहला पेज का फॉर्मेट ये रहेगा। उसके बाद कुछ ऐसे आपको लाइन भी लगा लेनी या लाइन नहीं लगाओ तो भी अच्छा रहेगा। क्वेश्चन 1 नंबर 1 लिखना है, उसके बाद आंसर लिखना है। जो आपका सेकंड पेज रहेगा उस पर आपको क्या लिखना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो आपका सेकंड पेज रहेगा उसके आपको जो सेकेंड पेज के बिल्कुल बीच में बिल्कुल सेंटर में आपको लिखना है रोल नंबर, पेज नंबर, डेट और आपके साइन। आपको जैसे ये शीट होगी आपकी, जैसे आपकी A4 साइज शीट हो गई है, इसके बीच में आपको ऐसे 2 लाइन लगा लेनी है, डिब्बा बना लेना आपको, उसके अंदर रोल नंबर, पेज नंबर और डेट और साइन बिल्कुल बीच में। जो आपकी MD यूनिवर्सिटी वो बीच में आपको लिखवाती है, ये जो डाटा दिया गया है, जो KUK यूनिवर्सिटी होगी वो शीट के बिल्कुल ऊपर लिखवाती है, जैसे यहाँ पर लिख रखा है। लेकिन MDU वाले जितने बच्चे उन सभी को बीच में लिखना है शीट के जो सेकंड पेज है, उसके बाद तीसरा चौथा पाँचवा जो भी आप पेज रहे उनके बीच में आपको सब बिल्कुल सेम ऐसे ही डाटा लिखना है, रोल नंबर, पेज नंबर, डेट और साइन। तो जो पहले पेज का डाटा मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ, पहले पेज पर आपको क्या लिखना है, पहले पेज पर आपको ये सब लिखना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल MDU हेल्प को ज़रूर सब्सक्राइब करें।